दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश है। कई देशों में लोकतंत्र है तो कई में तानाशाही, और बेशक दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाह शासक नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ही है। किम जोंग उन का चेहरा बेशक खस्ता हुआ हो और वो गोलमटोल विदूषक से लगते हो, लेकिन उनका दिल सत्ता पर बैठे एक निष्ठुर और क्रूर शासक का ही है, और ये समय समय पर साबित भी होता आया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की क्रूरता के बारे में हर कोई जानता है, और ये बात कम ही लोग जानते हैं कि किम के पास जो अरबों रुपए की दौलत का नियंत्रण है, उसमें से ज्यादातर पैसा उनके ऐशो आराम पर खर्च होता है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के बेहद गरीबी और भुखमरी से जूझने के बाद भी वहां का तानाशाह किम जोंग उन बेहद आलीशान जिंदगी जीता है। उनकी प्रजा उनके लिए तब तक ताली बजाती है जब तक उनके हाथ छिल ना जाए। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे किम जोंग उन अपने राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति यानी जनता के अरबों रुपए कैसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। लग्जरी कार्स। किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहते हैं, ऐसे में कारों को लेकर भी उनकी पसंद बहुत सीमित है। सबसे टॉप कारों में मर्सिडीज बेंज दुनिया के तमाम नेताओं में लोकप्रिय है। किम जोंग उन भी मैबैक 62S और मैबैक S600 का इस्तेमाल करता है, जो पूरी दुनिया में अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए पहचानी जाती है। किम जोंग उन की मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड करीब 21 फीट लंबी है। इसकी कीमत $2 मिलियन से ज्यादा आंकी जा रही है। ये बख्तरमंद लिमोजीन फुली आर्म्ड है और इसमें एक पोर्टेबल टॉयलेट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें इनबिल्ट गन भी लगी हुई है। इसके अलावा एक कार फुल्ली बुलेट प्रूफ है, जिस पर गोलियों और ग्रेनेड का असर नहीं होगा। ऐसी कार अंबानी जी के पास भी है। इसके अलावा किम के पास 100 से अधिक दूसरी यूरोपियन लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। किम जोंग उनकी व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान दुनिया इस बख्तरमंद लिमोजीन को पहली बार देखकर परेशान थी। परेशानी की वजह यह थी कि उत्तर कोरिया पर अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके चलते कोई भी देश या कंपनी उत्तर कोरिया को ना तो कोई सामान बेच सकती है ना ही खरीद सकती है। ऐसे में किम के पास बख्तरबंद लिमोजिन कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतिबंधों को ताक पर रखा जा रहा है। दरअसल किम के लिए बड़ी चालाकी से लाई जाती है। इन्हें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट होते हुए सीक्रेट तरीके से नॉर्थ कोरिया में लाया जाता है। सिगरेट। किम को फ्रेंच डिजाइनर सिगरेट पसंद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम का फेवरेट ब्रांड ई सेंट लॉरेंट वैरायटी है। इसके एक पैकेट की कीमत $44 यानी कि लगभग ₹3,000 पड़ती है। वहीं खास लेदर पैक के साथ इसकी कीमत $165 यानी ₹10,000 पड़ती है। सिक्योरिटी। किम जोंग उन की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि उनके पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक बार नॉर्थ कोरिया की सरकार ने आरोप लगाया था कि अमेरिका की CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस ने मिलकर किम जोंग उन को बायो वेपन से मारने के लिए एक लकड़हारे को हायर किया, जो रशियन मिलिट्री में ट्रेंड है और उसे नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में जहर देने वाला है। इससे किम जोंग उन कुछ महीनों में धीरे धीरे मर जाएगा। तब से किम जोंग उन ने अपनी सुरक्षा को और प्रभावशाली दस्ते में बदल दिया। उनकी सिक्योरिटी दस्ते में दर्जनों हाईली ट्रेन्ड मार्शल आर्ट सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। इन अंग रक्षकों का चयन उनकी फिटनेस, निशानेबाजी, मार्शल आर्ट के कौशल और उनकी वेशभूषा के आधार पर किया गया, जो कि किम के सफर के दौरान उनकी लीमो के बाजू में जॉगिंग करते हुए चलते हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट में अजीब सी शर्त है कि ये बॉडीगार्ड 1 इंच भी किम से लंबे नहीं होने चाहिए, जो कि खुद 5 फुट 5 इंच के हैं। इस सिक्योरिटी दस्ते को देखने से लगता है कि यह दस्ता इस तरह से कोरियोग्राफ बोले तो आपस में इस तरह से तालमेल रखता है ताकि वे किम के आसपास 360 डिग्री में नजर रख सके। जब कभी किम ट्रेवल करते हैं तो एक जैसे दो जेट विमान में सफर करते हैं, जिससे ये पता ना चल सके कि कौन से जेट में वो सवार है। किम के साथ मुलाकात करने के पहले किसी भी विदेशी को अपने फोन, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मसमर्पण करने होते हैं। कुल मिलाकर यह तय है कि 90,000 सैनिक इस नेता को बचाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। याच। 25 अगस्त 2013 को फिशरी स्टेशन पर एक लग्जरी याच को रहस्यमय तरीके से डॉक किनारे लंगर डाले खड़ा देखा गया। उत्तर कोरिया में एक लग्जरी याच की तस्वीरें इसलिए भी कुछ हैरानी पैदा कर रही थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2006 में उत्तर कोरिया को किसी भी लग्जरी सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
साउथ कोरियाई न्यूज़पेपर के एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने देश में आयातित लग्जरी वस्तुओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि की, जिनमें हाई एंड कारें, टीवी, कंप्यूटर, शराब और घड़ियां शामिल है। ब्रिटिश बेस्ड प्रिंसेस याच द्वारा निर्मित 95 माय का थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसे कंपनी वर्तमान में $8.7 मिलियन में बेचती है, लेकिन देखा जाए तो यह रकम कम नहीं है। स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA द्वारा जारी एक तस्वीर में किम और उनके जनरलों को एक निरीक्षण के दौरान डॉक पर साथ चलते हुए देखा गया, और इस तस्वीर में उनके पीछे 100 फुट लंबी याच की झलक आसानी से देख सकते हैं। महंगी शराब एक ऐसी चीज है जिसको बहुत से लोग सेवन करने की ख्वाहिश रखते हैं, और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम नेता इसमें कोई अपवाद नहीं है। किम जोंग उन की फेवरेट शराब विस्की और कॉन्याक है। हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए की शराब दूसरे देशों से उत्तर कोरिया मंगाई जाती है। देश को सुधारने और तरक्की के लिए उपयोग किए जा सकने वाले धन का उपयोग उनकी व्यक्तिगत पीने की आदत के लिए किया जाता है। यही नहीं, उन्हें शैंपेन पीने का भी बड़ा शौक है, जो एक बार में क्रिस्टल की पूरी 2 बोतल खत्म कर देता है। एक इंटरव्यू में उनके पूर्व सहयोगी ने लुइस रॉयडर क्रिस्टल का उल्लेख है, जो कि किम जोंग उन एक्सेस में सेवन करते हैं। एमएसएन नाम की एक न्यूज एजेंसी का दावा है कि हर साल किम महंगी ड्रिंक पर $3 करोड़ खर्च करते हैं। उसे हेनेसी नाम के अल्कोहल का बड़ा शौक है, जिसकी एक बोतल $2,145 यानी कि $1.4 लाख की है। किम जोंग उनकी ड्रिंकिंग की आदत बहुत ज्यादा बुरी है, खासतौर पर जब हमें ये पता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है और इसका सारा कंट्रोल किम के पास है। प्राइवेट आइलैंड। किम जोंग उन ऐसे लोगों में से है जो कि शाही खाने और शाही तीमारदारी के भी शौकीन है, इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास 17 शानदार पैलेस के अलावा अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी है, जो कि पूरी तरह से सुसज्जित पार्टी आइलैंड है। द सन की एक रिपोर्ट में उसके आइलैंड की गूगल अर्थ इमेज जारी की गई। देश के तटीय इलाके के इस द्वीप में वो अपने खास मेहमानों को ठहराता है। इसमें अमेरिका के कई सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह के इस आइलैंड में 200 फुट का पूल बोट, $7 मिलियन की याच, वाटर स्लाइड, थीम पार्क की सवारी और एक पूरा का पूरा फुटबॉल ग्राउंड आदि शामिल है। यही वो जगह है जहां पर 2013 में पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन की खातिरदारी की गई थी, जब उन्हें कम्युनिस्ट राज्य ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया था। शिकागो बुल्स एस ने पूरा दिन किम के साथ फाइन स्पिरिट्स पीने, महंगे सिगार पीने और बास्केटबॉल, जो कि तानाशाह जोंग उन पर सबसे पसंदीदा खेल है, देखने में समय बिताया। द सन UK की समाचार कंपनी को अपना तजर्बा बताते हुए रोडमैन ने कहा, किम उस आइलैंड पर अकेला नहीं रहता, बल्कि वहां पर उसके 50 से 60 लोग हमेशा रहते हैं, जो हमेशा पार्टी के मूड में होते हैं और हंसते रहते हैं। किम जो भी चीज यूज करता है वो बेस्ट होती है। महंगा खान पान। 2018 में नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की हालत काफी बुरी है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता। इस पर किम जोंग उन ने मिलिट्री को खाना प्रोवाइड करने वाली राशन फैक्ट्रीज का दौरा किया और कहा सैनिकों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो कहने वाली बात है, क्योंकि जब किम दूसरों के लिए कुछ अच्छा छोड़ेगा ही नहीं तो अच्छा कहाँ से होगा। नॉर्थ कोरिया के 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान यह पता चला कि किम को ईरान के कैवियर और लॉबस्टर जैसे खाने का भी शौक है। किम को खाने में कोब मीट भी पसंद है, जो उनके लिए खास जापान से मंगाया जाता है। बता दें, कोब दुनिया का सबसे महंगा और कम मिलने वाला मीट है। इसके अलावा डेनमार्क के टॉप क्वालिटी पोर्क और चीन के खरबूज और जापान के कोब बीफ स्टैक को ऑर्डर करने के लिए जाने जाते हैं। अन्य पसंदीदा खानों में एमेंटल चीज, सुशी, शार्क फिन सूप, ब्राजीलियन कॉफी भी शामिल है, क्योंकि उनका पालन पोषण रॉयल बच्चों की तरह स्विट्जरलैंड के एक प्राइवेट स्कूल में रॉयल तौर तरीके से हुआ था। जोंग उन ने अपनी जिंदगी में कभी भी रॉयल जिंदगी से बाहरी दुनिया की असल जिंदगी का भी एहसास नहीं किया। इस बात से हम कह सकते हैं कि उसे शायद बेहतरीन भोजन के अलावा किसी भी चीज से संतुष्टि होती ही नहीं है। फ्लोटिंग रेस्तरां। ये खास तरह का लग्जरी होटल था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 5 सितारा 4 सीजन बैरियर बीफ रिजॉर्ट 1988 में टाउन सिल्वे ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया के पहले फ्लोटिंग होटल के रूप में खोला गया था। समुद्र में तैरती जन्नत कहे जाने वाले इस 7 मंजिला होटल में 200 कमरे, एक नाइट क्लब, कई बार, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, रेस्तरां और एक हेलीपैड शामिल है। 1997 में ये उत्तर कोरिया द्वारा खरीद लिया गया। बताया जाता है कि अक्टूबर 2019 में किम जोंग उन ने उसका दौरा किया था और फ्लोटिंग रेस्तरां में मौजूद सुविधाओं की आलोचना की थी।
ये कहते हुए कि फ्लोटिंग रेस्तरां का आर्किटेक्चर न केवल बहुत ही बैकवर्ड है बल्कि इतने जर्जर दिखते हैं जैसे उनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई हो, और ना ही ये इमारतें कोई भी नेशनल कैरेक्टर को दर्शाती हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उत्तर कोरिया की खुद की सांस्कृतिक भावना और सौंदर्य को पूरा करने के लिए उन्हें न पसंद आने वाली सभी सुविधाओं को हटा दिया जाना चाहिए और उसे फिर से बनाया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप फ्लोटिंग रेस्तरां नष्ट हो गया। मतलब खुद तो सारी लग्जरी के मजे ले लिए और इससे पहले कि देश के दूसरे लोग इसे देख पाते उसे खत्म करवा दिया। प्राइवेट जेट। किम जोंग उन के विमान को आधिकारिक रूप से चमाई वन और गोशोक एक के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एयरफोर्स उनके नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी कीमत लगभग $1.5 मिलियन है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में होने वाली मीटिंग के लिए किम अपने प्राइवेट इल्यूशन IL-62M जेट से पहुंचा था, जिसे स्टेट एयरलाइन एयर कोरिया ऑपरेट करता है। ये 39 साल पहले सोवियत एरा में बने एयरक्राफ्ट है जिनका उपयोग अब कम ही देश करते हैं। उसके सिंगापुर हवाई अड्डे में कदम रखते ही उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस जहाज का इंटीरियर तो बेहद अद्भुत है, जिसकी समय समय पर किम जोंग उन अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए फोटो में देखे जा सकते हैं। ये एक चलते फिरते लग्जरी होटल से कम नहीं है जिसे बाहरी दुनिया ने शायद ही देखा हो। प्राइवेट ट्रेन। मार्च 2019 में बीजिंग सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर एक अनजान ट्रेन आकर रुकी। बाद में पता चला कि दरअसल इस ट्रेन में बैठकर खुद किम जोंग उन चाइना में पधारे थे। किम इसमें चाइना में अपने साथियों और मित्रों से मीटिंग करने आया था। इस ट्रेन पर गौर करने की बात यह है कि इसमें 21 कोच थे और सारे के सारे कोच हरे रंग से पेंट किए गए। सभी कोचों की खिड़कियां टिंटेड थी। यदि बाहर से अंदर झांकेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, और साथ ही बुलेट प्रूफ भी थी। ये ट्रेन एक चलते फिरते 5-स्टार होटल से कम नहीं है जो फ्रेंच वाइन, एप्पल कंप्यूटर और महंगे चमड़े की सीटों से युक्त है। इस लग्जरी ट्रेन को सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने किम के परिवार को बहुत पहले गिफ्ट दिया था। उसके बाद ये ट्रेन उत्तर कोरिया के शासकों की शाही ट्रेन बन गई। ट्रेन में एक सुविधापूर्ण पेंट्री है जहां किम के पसंदीदा व्यंजन बनते रहते हैं। इस ट्रेन में खास शाही डब्बा भी है जहां किम के खाने और पीने का इंतजाम रहता है। इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर भी किम के साथ यात्रा करती है जो आमतौर पर किम का मनोरंजन करती है। वैसे तो ये बुलेट ट्रेन के जमाने में बहुत ही स्लो है। इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज के लिए किम जोंग उन के बारे में इतना ही। मुझे लगता है किम जोंग उन को इसी तरह अपनी मौज मस्ती में पैसा ना उड़ाते हुए नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगना चाहिए। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में बताना जरूर। ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट में Part 2 जरूर लिखें। हम आपसे विनती करते हैं कि लॉकडाउन आदेशों का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।